अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान। वीडियो एडिटिंग की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में काइन मास्टर के अंदर, किस तरह से हम अपने क्रोमा की को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक बैकग्राउंड और एक ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो ऐड की हुई है, तो मैं इसको अब कर रहा हूँ जूम ताकि इसका मैं आपको रिमूव करके बताऊँ, दिखाऊँ कि किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल मैं जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्रोमा की में मैं आ गया। तो यहाँ पर क्रोमा की में आ गया और इसको करता हूँ इनेबल। ये देखें, ये मैंने इनेबल कर लिया और अब जाके देखता हूँ कि इसके ये जो हमने बंदा ऐड किया है, इसको जूम करके देखता हूँ कि इसके साइड में ग्रीन लाइन शो हो रही है कि नहीं, कि कोई देख के ये ना कहे कि भाई इसने तो ग्रीन स्क्रीन से ये कार्टून उठाया और वीडियो बनाई है। तो ये देखें, बंदे के चारों तरफ जो है ये ग्रीन स्क्रीन ग्रीन जो है ना लाइन शो हो रही है। तो इसको अब ख़त्म करने के लिए एडजस्टमेंट जो है, अब क्रोमा की मैं दोबारा जाता हूँ। ये देखें, जितना भी ये बंदे की बाहर वाली साइड है, यहाँ पर ब्लैक जो लाइन है वो शो हो रही है, ये समझें कि आपकी ग्रीन लाइन है। तो इसको अब मैं जो ऊपर वाली ओपेसिटी है इसकी, इसको कर रहा हूँ इस तरह से फुल वाइट, 50% ऊपर और 50% नीचे की है। तो इसको अब इनेबल करता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब इसको मैं ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, इसको मैं ले जाता हूँ पीछे तकरीबन 30 के करीब। तो अब देखता हूँ, और इसको जो नीचे वाली हमारी लेयर है, इसको मैं ले कर जा रहा हूँ ऐसे 70 पे मैं इसको ले गया। तो अब देखें, इसकी जो ग्रीन स्क्रीन था बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो हमें शो हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी और मज़ीद मेहनत कर लेते हैं, तो मेहनत करता हूँ थोड़ी सी और, इसको मैं ले जाता हूँ, बल्कि इसको मैं अब रखता हूँ, ये 30 पे था, इसको मैं 35 पे कर लेता हूँ, या कर लेता हूँ मैं इसको, ये ठीक है 34 पे अब आ गया। तो इसको मैं अब यहाँ पर फुल कर रहा हूँ और अब जाके देखता हूँ कि क्लियर होगा कि नहीं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ। इसको अब 30 पे दोबारा ले जाता हूँ और यहाँ पर अब देखते हैं, फिर भी नहीं हुआ क्लियर। ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने ऐसे बार बार चेक करना है कि हमारी जो है लेयर मुकम्मल क्लियर हुई है कि नहीं हुई। तो ये देखिए, अब जो है मुकम्मल तौर पे हमें जो है ये शो बिल्कुल जो है क्लियर नज़र आने लग गया है। इसका साइज़ जो है अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, किधर गया वो मोबाइल, थोड़ा स्लो हुआ है, पता नहीं क्या मसला है इसको। इसका साइज़ जो है अब मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा कम। साइज़ देखें, ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है ना, तो आप ऐसा करें, आप जाएं अपने ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है, क्रॉपिंग में जाएं और यहाँ पर इसको ऐसे कम करते जाएं, ठीक है। कम करेंगे तो आपका जो साइज़ है वो वीडियो की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ये देखें, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ कि मुझे आसानी के साथ जूम करना, अगर करना पड़े तो मैं आसानी के साथ इसको जूम कर सकूँ। तो यहाँ पर इस तरफ मैं इसको ले जाता हूँ, ये लें, ये मैंने अब कर लिया क्लियर। तो अब इसको मैं रख रहा हूँ इधर, फिर इधर से कर लेता हूँ। इस तरह से आप वीडियो जो है उसका जो लेंथ होती है, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको जूम करते वक्त कोई मसला ना बने। तो ये ले जी, इसको मैंने कर लिया अब बिल्कुल क्लियर कर लिया। ये बंदा हमारा खड़ा वैसे ही बातें कर रहा है, इसका म्यूज़िक जो है मैं बंद कर रहा हूँ, कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। तो ऐसे ही आपने अपनी हर जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो होगी उसका, अगर आप इस तरह क्रोमा की का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी के साथ आप कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। तो आप कोई भी वीडियो बनाएं, एनिमेशन उठा लें यूट्यूब से और ऐसे कुछ स्टोरी वाइज आप बनाते जाएं, जिस स्टोरी में आपको जो भी करेक्टर चाहिए वो आपको मिल सकता है। इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम भी अपने इसी चैनल पर ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करेंगे, अपनी खुद से बनाई हुई, पुरानी वाली नहीं। यूट्यूब तो बड़ी पड़ी है कि दूसरों की उठा उठा के लोग थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उठा रहे हैं, लेकिन हम अपनी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अब जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा चलाना चाह रहे हैं कि बंदा तो हमारी तरफ़ जूम हो, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है
ये मेन प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर जाना है, और बल्कि आपने ऐसा करना है कि अपनी ये जो की है हमारे पास, ये की वाली ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे आगे करना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर देना है, इस बंदे को इस तरफ थोड़ा सा और आगे जाएं, फिर इसको थोड़ा सा और मूव कर दें, थोड़ा सा और करें आगे, और टिक लगाते जाएं और ऐसे मूव करते जाएं। यह सिंपल सा तरीका, सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाई थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ग्रीन स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही, तो इस तरह से आप उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे इंशाल्लाह मुकम्मल क्लास में आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम स्टोरीज़ जो हैं या बैकग्राउंड जो हैं वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये लें, ये बंदा खुद ही हरकत तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे स्लिप हो रहा है वैसे हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर इसको जूम करना चाह रहे हैं तो ऐसे आप जूम करके इससे बातें कर सकते हैं, जैसे जहां पर ये मुंह हिला रहा है वहीं पर आप अपनी बात रिपीट करते जाएं, ऐसे लगेगा कि जैसे ये बंदा खुद ही बात कर रहा है। ये लें जी, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।